कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बस स्टैंड एरिया में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने अपराध करने के 2 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी हां, नाबालिग से दुष्कर्म मामले को थाना प्रभारी कोतवाली रोहित दुबे ने गंभीरता से लिया और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को एक 9 वर्षीय बालिका अस्पताल में घायल अवस्था में इलाज हेतु भर्ती हुई, जिसके गुप्तांग से खून निकल रहा था। पीड़िता की दादी ने बताया कि बीती शुक्रवार की रात की बात है, वे लोग अहमदाबाद से काम से लौटकर अपने घर जा रहे थे। रात होने से बस स्टैंड शिवपुरी पर रुक गए थे। रात में छोटू रावत निवासी करसेना सुभाषपुरा उनके पास आया और उनसे बातचीत कर पहचान निकाल रहा था। तभी रात करीब 10:30 बजे वो और उसका पति बस स्टैंड पर खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए चले गए थे, तभी छोटू रावत ने घटना को अंजाम दिया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज थाना कोतवाली शिवपुरी को सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग पीड़िता अस्पताल में भर्ती हुई है, जिसके संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया एवं तत्काल मौके पर पुलिस भेजी गई, जो पीड़िता द्वारा एवं उसकी दादी द्वारा पीड़िता के साथ किसी कृष्णपाल रावत उर्फ छोटू रावत द्वारा दुष्कर्म करने की घटना बताई गई, जिसके संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय CSP महोदय के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें गठित की गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद तत्काल टीमों को CSP महोदय के मार्गदर्शन में रवाना किया गया। शहर के पुलिस CCTV कैमरे एवं मुख्य तंत्र को मजबूत कर जब आरोपी की पतारसी की गई तो आरोपी कृष्णपाल उर्फ छोटू रावत मरगटशाला जो पौरी बस स्टैंड है उसके पास जो मरगटशाला है वहाँ से उसको गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के जो कपड़े हैं उस पर रक्त भी लगा मिला है, इससे घटना की पुष्टि होती है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आज आरोपी को गिरफ्तार कर उसमें पूरी योजना संबंधी पूर्ण कार्रवाइयाँ की गई हैं। अपराधी जो इसमें गिरफ्तार किया गया है इसकी जो आम शौहरत है वह भी वहाँ पर ठीक नहीं है, इसके संबंध में भी कुछ चीज़ें ज्ञात हुई हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, अगर आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त होता है तो उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। पुलिस द्वारा प्रयास रहेगा कि प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर प्रकरण में जल्द से विवेचना पूर्ण कर चालन मान्य। बच्ची की स्थिति क्या है अभी? बच्ची स्थिर है और उसका प्रॉपर उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और ऐसी कोई बात नहीं है और लगातार पुलिस हर पहलू पर नजर रखी। एक सवाल था कि जो व्यक्ति है आरोपी है वो वहाँ लगातार घूमता रहता है और नशे में रहता है और लोगों ने शिकायत भी की है, पुलिस ने उसके खिलाफ नहीं पूर्व में भी उसका रिकॉर्ड देखा जा रहा है और आम स्वरत भी ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन से वो यहाँ नहीं था, ऐसा लोगों ने वो मुखबिरों से पता चला है कि अभी 2-4 दिन से ही पुनः बस स्टैंड पर बस धोने का काम करता है, एक्टिव नहीं था। पूर्व में उसकी स्वरत ठीक नहीं है, इसी कारण से यहाँ से चला गया था। जैसे ही इस तरह की घटना घटित हुई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और मेरा जो बस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं एवं जो लोग उस टीम में हैं सभी से एक अपील है कि बस स्टैंड पर भी चारों तरफ हम लोग सब बैठकर जो व्यवस्था बना सकते हैं एक मीटिंग लेकर हम व्यवस्था बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और जो जो वहाँ कमियाँ हैं चाहे वो CCTV कैमरे हों लाइट्स हो जन सहयोग प्रशासनिक दृष्टि से जो भी चीज़ होगी उसको पूर्ण कर बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे।